Hello students, in today's video we shall try to understand active to passive voice of present continuous tense. इससे पहले के वीडियो में हमने present indefinite के sentences को active से passive voice में समझने का प्रयास किया था. आज के इस वीडियो में हम present continuous के जो sentence हैं active के, उनको passive voice में कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से टेंसेस का परिवर्तन होता है, वर्ब्स का परिवर्तन होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये सेंटेंस लिखा हुआ है अफर्मेटिव का, राधा इज हेल्पिंग हर मदर. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. तो जैसे कि सामान्य रूल हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट. और यहाँ सब्जेक्ट किस फॉर्म में होता है, अपने ऑब्जेक्टिव केस में. अपने ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर यह सब्जेक्ट होता है. ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करते हैं पर इसके बाद जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है वो हम लेकर आते हैं और शॉर्ट में इसको हम ओ वी एस के रूप में समझ लेते हैं. ठीक, इसको जब और ओपन करेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा और ये वर्ब दो में बदलेगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फिर बाई लगाते हैं, बाई के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आपका लिखा जाता है. ये एक सामान्य सा स्ट्रक्चर होता है जो प्रायः सभी सेंटेंसेस की जो टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस बनाने में इसका यूज़ हम कर सकते हैं. इसको हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे. अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. तो पहले तो हम इसी नियम को फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर. तो यहाँ देखते हैं सेंटेंस, राधा इज हेल्पिंग हर मदर. राधा सब्जेक्ट है और वो सहायता कर रही है किसकी, अपनी माँ की. तो यहाँ हर मदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो जैसा कि पैसिव के सामान्य नियम होते हैं हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर लेते हैं. तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, हर मदर. और फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से होता है. यहाँ देखें एक वचन है तो इसका प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस होंगे उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी इज एम आर ही होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज. और फिर थर्ड फॉर्म लगाने से पहले, अब चूंकि हमारा जो ये वर्ब लगी है आईएनजी फॉर्म में लगी है तो इसको आईएनजी रूप देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बीइंग, बीइंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं. बी क्या होता है, बी के ही फॉर्म है इज एम आर. तो इज के साथ हम बीइंग का ही बीइंग का भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सेंटेंस को पैसिव फॉर्म देना है. हर मदर इज बीइंग. और फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड. हर मदर इज बीइंग हेल्प्ड और फिर बाई लगाएंगे. और यहाँ पर नाउन है तो नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, नाउन एज इट इज लिख दिया जाता है, राधा बाई राधा. हर मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाई राधा. अब इसकी अगर दोनों की हिंदी निकाल लें एक्टिव वॉइस में क्या इसका अर्थ होगा, राधा अपनी माँ की सहायता कर रही है. और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, माँ की सहायता की जा रही है राधा के द्वारा, सहायता की जा रही है, पैसिव फॉर्म में आ गया.
तो इस शब्द को हम ध्यान में रखेंगे। अगर इस शब्द को हम हटा देंगे तो आप देख रहे हैं कि सारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा ही है। तो जो चीज़ खास बना रही, यानी टेंस का जो परिवर्तन हो रहा है, टेंस को दर्शाने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने बीइंग का यूज़ किया है, ये अतिरिक्त शब्द है। बाकी सेम उसी तरह से हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और माई वर्क ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से फॉलो करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, क्या होगा माई वर्क, माई वर्क भी सिंगुलर नंबर है, इज हो जाएगा, और फिर क्या जोड़ेंगे बीइंग, बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी। तो आपने देखा कि ये जो बीइंग वर्ड है ये सभी उस सेंटेंस में लग रहा है जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं। माई वर्क इज बीइंग डन बाई मी, ये अफर्मेटिव के सेंटेंस है। ठीक, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वाइज कैसे बनते हैं वो बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखा है द लायन इज नॉट चेजिंग द डियर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लेंगे, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है द लायन इज नॉट चेजिंग द डियर, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है द डियर है, द डियर को लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, नॉट है तो नॉट इसके साथ जोड़ देंगे, और जब ये थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे तो उसके साथ बीइंग लगा करके तब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीइंग और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी चेज्ड बाई लगाएंगे, बाई द प्लर, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वाइज बन गया। क्या अंतर हुआ, केवल नॉट हमने ऐड किया, बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा वो वही रहा। ठीक, एक चीज़ और हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में जो चीज़ जहाँ रहती है उसको हम उसी जगह पर लिखते हैं, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो रिप्लेसमेंट है ये है मेन पार्ट, और दूसरा मेन पार्ट है ऑब्जेक्ट का वर्ब, तीसरा मेन पार्ट है थर्ड फॉर्म का यूज़, और जो एडिशनल वर्ड यूज़ होते हैं जैसे बीइंग यहाँ लगा, क्यों, क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था इसलिए हमने बीइंग का यूज़ किया। सेज स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वही है जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में रहा है। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज मीरा स्कोल्डिंग हर डॉल्स, क्या मीरा स्कोल्डिंग माने डांट रही है अपनी डॉल्स माने गुड़ियों को। अब यहाँ देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आप पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब यहीं पर लगाएंगे, मीरा आपका सब्जेक्ट है और डॉल्स आपका ऑब्जेक्ट है,
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे आएगा हर डॉल्स। यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी आर। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आर हर डॉल्स। और ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, बीइंग का, बीइंग। और स्कोल्डिंग का क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड। और फिर बाई लगाएंगे और इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका मीरा। ये इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। अब दो और बच्चे इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ये तो अभी एज यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव था, डबल इंट्रोगेटिव भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। वाई आर यू अब्यूजिंग योर सर्वेंट, ये डबल इंट्रोगेटिव क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हुआ है। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड अपने स्थान पर ही रखते हैं, उसको क्वेश्चन वर्ड अपने स्थान पर रहेगा वाई। और फिर यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की थी और आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे ऑब्जेक्ट की। तब आगे और देखते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका योर सर्वेंट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर यहाँ पर वर्ब लगाएंगे और यू किस जगह पर होगा, ऑब्जेक्ट आपका योर सर्वेंट, वाई इज योर सर्वेंट। अब बचिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का जब यूज़ करेंगे उससे पहले बीइंग का यूज़ कर देंगे, बीइंग, वाई इज योर सर्वेंट बीइंग, अब्यूज है तो अब्यूज्ड हो जाएगा, abused by, और ये आपका सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, यू लिख लेंगे, वाई इज योर सर्वेंट बींग abused by यू। तो आपने देखा कि जो एक्टिव में जैसा सेंटेंस था वैसा ही पैसिव में ही बना है, बस अंतर केवल इतना है कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया, दूसरे वर्ब का ध्यान रखा क्योंकि वर्ब हम जब यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी, और फिर थर्ड फॉर्म का जब यूज़ करेंगे तो उसके पहले बीइंग लगाएंगे, ठीक। अब है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये इंट्रो निगेटिव भी कहते हैं इसको, इंट्रो निगेटिव। Why is he not paying your debts? देखें इसी तरह से बनाएंगे, सबसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये सब्जेक्ट है इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका योर डेब्ट्स है जो प्लूरल नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, आर। और ही की जगह पे क्या आएगा, योर डेब्ट्स, वाई आर योर डेब्ट्स। अब नाट है तो नाट का यूज़ कर लेंगे, और ये थर्ड फॉर्म के पहले पहले वाले सेंटेंस की बात बीइंग का यूज़ करेंगे, और फिर पेड बाई ही उधर चला जाएगा, बाई ही हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक।
अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो दो सेंटेंस होते हैं, एक हु वाले वाक्य और वाट वाले वाक्य। हु वाले वाक्य में देखें, हु इज बीटिंग द डॉग, और वाट वाले सेंटेंस इस प्रकार के होंगे, वाट आर यू, यहाँ कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, डूइंग, ईटिंग, कुछ भी आ सकता है। हु इज बीटिंग द डॉग। जब हु वाले सेंटेंस को हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हु को बाई हु में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाई हु, ये सबसे पहला स्टेप होगा, बाई हु। और फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लाएंगे, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट है द डॉग, डॉग सिंगुलर होगा इसकी, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, बाई होम इज, और फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द डॉग, बाई होम इज द डॉग, और फिर थर्ड फॉर्म के पहले पूर्व के वाक्यों की तरह से बींग जोड़ देंगे, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटन हो जाएगा, बाई होम इज द डॉग बींग बीटन, ये हु वाले सेंटेंस बनेंगे। वाट वाले सब जो सेंटेंस होते हैं उसमें वाट ही ऑब्जेक्ट होता है, वाट लिख लेंगे, जब वाट को ऑब्जेक्ट बना देंगे फिर ये सिंगुलर हो जाएगी, वाट इज बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, वाट इज बीइंग डन बाई यू। ये इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उनकी पैसिव वाइज हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चर्चा करेंगे।